जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल के अंदर बिल्कुल सही देखा है, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जिन्हें आप लोग पसंद करते हो, जिन्हें आप लोग भैया YouTube के ऊपर वॉच करते हो, वो लोग ट्रेड किस तरीके से करते हैं, वो लोग लगातार कंटिन्यूअसली मार्केट से पैसा किस तरीके से बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो तीनों ट्रेडर आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं, द ट्रेड रूम हो गए, स्टॉक बर्नर, IIT ट्रेडर, जिनकी भी मैं बात करने वाला हूं, वो सभी लोग कुछ एडवांस कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, फाइनली मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरीके से हमने लाइव मार्केट के अंदर इस सेटअप से काम किया, किस तरीके से हमने तीन ट्रेड लिए और तीनों के तीनों ट्रेड प्रॉफिट में गई। जी हाँ गाइस, तीनों के तीनों ट्रेड प्रॉफिट में गई और जो मजा आया गाइस, काम करने में काफी मजा आया, क्योंकि जो एसएल था वो बहुत छोटा था और टारगेट काफी बड़े थे। मैं यहाँ पे किसी को गलत साबित नहीं करने वाला, मैं यहाँ पे किसी को कोई एक्सपोज नहीं करने वाला कि ये फेक पीएनएल दिखा रहा है या फिर ये आपको गलत चीजें दिखा रहा है, नहीं। यहां पे मैं आप लोगों को वो तरीका बताऊंगा जिससे ये तीनों लोग ट्रेड कर रहे हैं, जिससे ये तीनों लोग मोटा पैसा मार्केट के अंदर बना रहे हैं। गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम के अंदर ज्वाइन होना चाहते हो तो मेरे भाई नाम से सर्च मत करना, क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फर्जी टेलीग्राम चैनल चालू है। ज्वाइन होने का एकमात्र तरीका है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक, वहीं से जाके ज्वाइन होना पूरा एनर्जी के साथ में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग फॉलो करते हो द ट्रेड रूम, स्टॉक बर्नर, IIT ट्रेडर और भी बहुत सारे लोगों को आप फॉलो करते हो, बहुत सारे लोगों में नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है। बात करते हैं ये अलग क्या कर रहे हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब मार्केट ओपन होता है, 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, भाई साहब ये लोग मार्केट से पैसा बना के निकल लेते हैं। 10 से 20 मिनट के अंदर तो ये लोग पैसा बना के मार्केट से निकल लेते हैं। भाई साहब ऐसा क्या कर रहे हैं? और मैं ये नहीं कह रहा कि भाई साहब अगर ये 10 से 20 मिनट में पैसा नहीं बनाते, ठीक है, मतलब पूरे दिन में अगर बात करें तो भी ये प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। तो ये एडवांस मतलब क्या क्या अलग अलग क्या कर रहे हैं आपसे? आप जो चीजें कर रहे हो उनसे अलग क्या कर रहे हैं? देखो गाइस, ये जो अलग कर रहे हैं वो सबसे पहला जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने अच्छे तरीके से देखा है, ये बहुत ज्यादा मैंने मतलब बहुत ज्यादा एनालिसिस किया, ये ज्यादातर जो काम करते हैं, ज्यादातर जिस टाइम फ्रेम के ऊपर ये काम करते हैं वो होता है 1 मिनट, जो कि हाई रिस्कर होता है। अब इन लोगों ने इसके ऊपर काम किया, एनालिसिस किया, मेहनत की है, तब जाके ये लोग काम कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई साहब आप नहीं कर सकते, नहीं, लेकिन अगर आपको 1 मिनट में काम करना होगा तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। मैंने देखा कि ये लोग भाई साहब 1 मिनट के अंदर ज्यादातर काम करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये 5 मिनट के अंदर काम नहीं करते, नहीं, 5 मिनट में भी करते हैं, 15 मिनट में भी करते हैं, सब टाइम फ्रेम के ऊपर काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो टाइम फ्रेम यूज करते हैं वो करते हैं 1 मिनट का, और ये बहुत ज्यादा रिस्कर होता है। चलिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया, अब बात करते हैं ट्रेड किस तरीके से लेते हैं, क्या क्या चीजें देखते हैं। आप यहाँ पे मेरे पीछे देख पा रहे हो, जस्ट अ सेकंड गाइस, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है आज का, नीचे आप लोग 11 तारीख देख सकते हो, ठीक है, आज 11 तारीख के नीचे आप लोग डेट वगैरह देख सकते हो, ये देखो, ठीक है। अब आपको मैं लाइव दिखाता हूं, ठीक है, इसको मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर करूंगा, ये लो आपके सामने, मैंने इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर कर दिया, ये देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर क्या हुआ सर, मार्केट देखो यहां पे ओपन होता है, उसके बाद में नीचे आता है, यहां पे एक हैमर टाइप के से कैंडल बनाता है और मार्केट ऊपर चला जाता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं ना, यहां पे जाके अपने एंट्री प्लान करते हैं इस वाली कैंडल के अंदर, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते, ये थोड़ा सा एडवांस काम कर रहे हैं। मतलब आप लोगों ने सुना होगा ना, बहुत से लोग मतलब शो ऑफ करते हैं कि जहां पे तुम ट्रेड लेते हो वहां पे तुम पैसा बना के निकल लेते हैं, ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, मुझे पता आप लोग समझ गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूं, तो मैं वो नहीं कह रहा, मतलब कहने का मतलब ये है गाइस कि ये लोग क्या करते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं और 1 मिनट टाइम फ्रेम में इनको एंट्री जल्दी मिलती है। ऐसा भी गाइस देखो मैनेज करना पड़ेगा, मैं अभी आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो यहां पे आप लोग देखिए, मैं इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर करना चाहूंगा, ये लो मैंने इसको 5 मिनट में अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए, और मैं यही कहूंगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार अपने सिस्टम के ऊपर ये सारी चीजें ओपन करके रखना, ठीक है, देखो तभी सब चीजें समझ में आएगी। जब मैंने देखा, जब मैंने चीजें ये वीडियो बनाने से पहले मैंने सिस्टम के ऊपर बैठा, सारी चीजें एनालिसिस की, 1 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, तब जाके मैं वीडियो बना रहा हूं। तो अगर आप लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो तो एक बार जो अपना सिस्टम है जहां पे आप ट्रेडिंग करते हो वो एक बार अपने सामने ओपन करके रखना, ताकि आपको पता लग जाए। अब मैं इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर करूंगा, ये लो जैसे मैंने इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर किया गाइस, एक सेकंड में यहां पे आप लोगों को पीछे लेके चलता हूं, ठीक है, चलो देखो जल्दी से एक बार आप लोगों को मैं पीछे लेके चलता हूं, ये देखिए, चलो पीछे लेके चलता हूं, एक बार इसकी बड़ी स्क्रीन कर देते हैं अपन, ठीक है गाइस, चलो ये देखो मैंने बड़ी स्क्रीन कर दी, ये लो अब यहां पे आप मैजिक देखिए गाइस, मैजिक देखिए यहां पे, चलो बड़ी स्क्रीन मैंने कर दिया, अब यहां पे मैजिक देखो, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं, चलो देखो गाइस मेरा सिखाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है,
ठीक है, मेरी आदत है मैं पूरा सिखाऊंगा, खोल के सिखाऊंगा यार अपना, ठीक है। चलो मैं इसको ये लो। अब यहाँ पे आप लोग देखिए एक चीज को नोटिस करना, देखो मेरी एक आदत है गाइस, मैं चीजें सिखाता हूँ ना तो फिर मैं जगह मेरे को बहुत ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। चलो यहाँ पे आप लोग देखिए, मार्केट ओपन होता है, मार्केट नीचे आता है, ये देखो। अब बहुत से लोग, ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडर्स के बारे में, जैसे IA10 ट्रेडर हो गए, द ट्रेड रूम हो गए, वो एक तो यहाँ पे अपना रिस्क प्लान करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें दिखता है कि मार्केट, देखो मार्केट ने ये एक जोन बनाया, मार्केट ने ये एक रेंज बनाया, देखिए आपको मार्केट ने ये रेंज बनाया और ये जो 1 मिनट वाली कैंडल है ना, इसने इस जोन के नीचे आके क्लोजिंग कर दी, तो यहाँ पे वो लोग अपनी एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे भी नहीं बनाएंगे तो वो भाई साहब यहाँ पे बनाएंगे। अब सबसे बड़ी बात सुन लो मेरी बात, अब सबसे बड़ी बात सुन लो, ये जो लोग है ये थोड़ा सा अलग काम कर रहे हैं, कैसे? ये टाइम फ्रेम देखते हैं यहाँ पे और कहाँ पे, प्रीमियम के अंदर। ज्यादातर मैंने इनके वीडियोस के अंदर देखा है कि ये प्रीमियम को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, ठीक है, प्रीमियम को ज्यादा इंपोर्टेंस दे रहे हैं मेरी तरह, क्योंकि मैं भी हर बार बोलता हूं, जो यूट्यूब के ऊपर लोग लाइव आ रहे हैं ना, 10,000 की वॉचिंग, 15,000 की वॉचिंग, लाइव के अंदर जब 9:15 से 3:30 तक, भाई साहब घंटा काम नहीं आने वाला, वो मत देखो उनको, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो प्रीमियम का चार्ट तो आपको झलक ही नहीं दिखा रहे, दिखाई नहीं रहे, पता नहीं जैसे उनकी गर्लफ्रेंड होगी, ठीक है। तो मेरे भाई फालतू, तो देखो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अब यहाँ पे आप एक मैजिक देखिए, जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा तो हो सकता है मैं 25,050 के ऊपर, 25,050 की जो पुट है मैं उसको बाय करूंगा। अगर मेरे को यहाँ पे ट्रेड लेना है तो मैं कहाँ की पुट बाय करूंगा, ऊपर की साइड की, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। पहले तो मैं इसको क्या करता हूँ, डबल स्क्रीन में कर देता हूँ, ठीक है। ये लो गाइस, मैंने इसको क्या कर दिया, डबल स्क्रीन में कर दिया, ये लो। चलो अब यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ 25,050 की पुट आपके सामने, आपके सामने गाइस, आपके सामने चीजें सारी बताऊंगा, पूरा खोल के बताऊंगा क्या चीजें आप गलती कर रहे हो, ये लोग क्या चीजें कर रहे हैं, अपन लोग क्या गलती कर रहे हैं, सब चीजें आपको बताऊंगा। चलो वो कौन सी वाली कैंडल के अंदर ट्रेड प्लान करेंगे, इस वाली कैंडल के अंदर, निफ्टी फिफ्टी का चार्ट ओपन है 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, 9:22 वाली ये कैंडल है 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। प्रीमियम में आता हूं 25,050 का पुट ओपन करता हूं। एक बार कैंडल को देखो, एक बार गौर से मेरे कहने से आप कैंडल को देखो, कैंडल में आपको क्या दिख रहा है सर, थोड़ा सा जूम कर दो भाई साहब, थोड़ा सा जूम कर दो, ये वाली कैंडल, एक बार कैंडल को गौर से देखना, पूरा का पूरा बाइंग वाली कैंडल, पूरी की पूरी बाइंग वाली कैंडल, यहां पे अपने आप मन करेगा ट्रेड करने का, ठीक है। और वॉल्यूम देखो साथ में गाइस, मैं आपको इनकी चीजें बता रहा हूं, अगर आपको ट्रेड करना है तो आप एक तरफ 1 मिनट चार्ट ओपन करके रखेंगे, किसका, इंडेक्स का, जिस भी इंडेक्स में आप काम कर रहे हो, दूसरी साइड में आपको प्रीमियम का चार्ट ओपन करना है, साथ में आपको दो इंडिकेटर लगाने हैं, 9 EMA और वॉल्यूम का, इधर भी 9 EMA लगाना है, इधर वॉल्यूम आपको शो नहीं करेगा, ठीक है, हो सकता है करे, धन के अंदर नहीं कर रहा, ठीक है। चलो यहां पे आप देखिए 9 EMA मैंने लगाया, यहां पे आप देखो ये कहां की कैंडल कहां पे बनी है सर, 9 EMA के ऊपर बनी है, देखो मार्केट यहां पे ऊपर गया, नीचे आया, 9 EMA का सपोर्ट ले, सपोर्ट लेके कैंडल ऊपर जा रही है, सही है। आपने स्टॉक बंडल की काफी ज्यादा वीडियोस देखी होगी, वो हमेशा सपोर्ट के ऊपर अपना ट्रेड प्लान करते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। और नीचे देखिए आप इस वाली कैंडल की वॉल्यूम चेक करो, मैंने यहां पे एवरेज लगा रखा है, यहां पे मैं वॉल्यूम के ऊपर जाता हूं, आप यहां पे देखिए, मैं जैसे ही वॉल्यूम के ऊपर जाता हूं तो यहां पे ये देखिए वॉल्यूम MA, स्मूथ MA, मैं जैसे इनको हटाऊंगा, मैं जैसे इनको हटाता हूं, ये दो, ठीक है, आपके सामने ये देखो वो लाइन कहां गई, लाइन आपके सामने से हट गई, मेरे को लाइन, अब ये लाइन सर क्या काम कर रही है, लाइन होती क्या है सर, वो भी बताइए एक बार। चलो देखो एक सेकंड, ये देखिए, चलो ये लाइन आपके सामने दोबारा से आगे से, लाइन है क्या, लाइन एवरेज है, एवरेज है कि वॉल्यूम, अगर लाइन के ऊपर वॉल्यूम आपको आ रही है, लाइन के ऊपर वॉल्यूम जा रही है, मतलब कि कैंडल सही बनी है, फेक ब्रेकआउट या फेक कैंडल नहीं है, तो इस वाली कैंडल के अंदर आप वॉल्यूम चेक करो, अपने एवरेज से ऊपर है, मतलब जो पीछे वाली कैंडल्स है उनके मुकाबले इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम ज्यादा है, यहां पे आप ट्रेड प्लान करो सर, एसएल कैंडल के लो का 1 मिनट टाइम फ्रेम है, कैंडल के लो का छोटा सा एसएल 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 12 पॉइंट मैक्सिमम, बस इससे ज्यादा नहीं कि 25 पॉइंट, 35 पॉइंट, 40 पॉइंट नहीं। निफ्टी के अंदर काम करो, देखो कितना सा एसएल बना, मैं आपको दिखाता हूं, जो अगर मेरे को इस वाली कैंडल के अंदर ट्रेड प्लान करना होगा तो मेरा एसएल क्या बनेगा, ये देखिए, अगर मैं यहां पे एंट्री प्लान करूंगा, जाहिर सी बात है, तो एसएल देखिए गाइस, मेरा एसएल देखिए, एक सेकंड में आपको एसएल दिखाता हूं, ये लो एसएल देखो मेरा 5 पॉइंट का एसएल, आप लोगों ने द ट्रेड रूम को देखा होगा, वो 2-2 पॉइंट का एसएल लेके निकल जाते हैं, 5 पॉइंट का एसएल, यही तो है। और प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट देखिए आपके सामने मेरे भाई, सर एक एग्जांपल है, रट लिया आप लोगों ने, आज भी प्रॉफिट बनाया उन लोगों ने,
आज भी प्रॉफिट बनाया उन लोगों ने, और इसी तरीके से ये एक ट्रेड है। दूसरा ट्रेड ऑलरेडी रेडी हो चुका है, आ जाओ यहां पे आप लोग देख रहे हो, पहला ट्रेड उनका डन हो चुका है ये लोग। दूसरा आप यहां पे देखिए, मार्केट नीचे आता है, मार्केट यहां कहीं पर एक अच्छे खासे कैंडल बनाता है। और देखिए गाइस, मैं फिर से बोलूंगा, बहुत मेहनत लगी है उन लोगों को सीखने में, बहुत एफर्ट लगा है, तो ये ऐसे ही नहीं है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में काम करना सबकी बस की बात नहीं है। अब यहां पे आप लोग देखिए, मार्केट नीचे आ गया, लगातार मार्केट नीचे आ गया, ये कैंडल देखिए एक बार आप बोर करके देखिए, पूरी की पूरी बाइंग वाली सर, ये जो कैंडल है ना, पूरी की पूरी सर बाइंग वाली कैंडल बनी है, मतलब बाइंग के अंदर जाना चाहिए मार्केट, ठीक है। चलो आप वेट करोगे किसका, जब तक आपको प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल जाता प्रॉपर। ये देखिए, ये डेल लो था ना, ये जो पहली कैंडल बनी है डेल लो की है, तो आप वेट करोगे कि सर इसके ऊपर एक बार क्लोजिंग आने दो, तब जाके हम ट्रेड प्लान करेंगे। चलो दूसरी वाली इस कैंडल को छोड़ दिया आपने, दूसरी वाली कैंडल रिटेस्ट हुई, इस वाली कैंडल को अंदर देखो 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग कर रही है, 9 EMA को ऊपर क्लोजिंग कर रही है। अब आ जाओ प्रीमियम चार्ट के अंदर, बस अब दोनों देखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर प्रीमियम चार्ट को नहीं देखोगे मेरे भाई ट्रेड मत करना, पहले बोल रहा हूं, क्योंकि उन लोगों को एक बार अच्छी तरीके से देखना, वो प्रीमियम चार्ट को काफी ज्यादा इंपोर्टेंस दे रहे, तो अपने को भी देना है। अब यहां पे जाहिर सी बात है, अगर मैं यहां पे ट्रेड करूंगा तो 24,900 के आसपास की मैं कॉल बाय करूंगा, ठीक है, इन द मनी की मैं बात करूं। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप लोगों के सामने 24,900 की कॉल ओपन कर दी है, कैंडल देखो 9:29 वाली कैंडल है, जाके अपने सिस्टम के ऊपर देखना, यहां पे एक बार इस वाली कैंडल को गौर से देखना, वही सेम कैंडल जो पहले अपन बात कर रहे थे, वही सेम कैंडल बाइंग वाली कैंडल बनी है सेम। आप यहां पे जाके देखो एक बार इस कैंडल को अच्छे तरीके से देखो, वही सेम कैंडल बनी है। सर वॉल्यूम भी तो चेक करना, आपने बोला था वॉल्यूम, जो पीछे वॉल्यूम्स आ रही थी एवरेज, ये लाइन अपने को बताएगी एवरेज, उससे ऊपर, लेकिन सर हमें ट्रेंड नहीं करना क्योंकि अभी तक 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग नहीं है ये, ठीक है। 9 EMA आपको कंफर्मेशन देगा, इस वाली कैंडल के अंदर 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग आती है, आप ट्रेड प्लान करोगे यहीं पे, आपका ऐसा होगा पिछली वाली कैंडल के लो का। यहां पे पॉइंट दिखाता हूं आपको, आ जाओ यहां पे पॉइंट आप लोगों को मैं दिखाता हूं, आ जाओ। चलो अगर मैं यहां पे ट्रेड लूंगा तो मेरा कैंडल लो का ऐसा होगा, ठीक है। एक सेकंड गाइस, भाई साहब क्या तगड़ा मिला यार, आप देखिए सिर्फ और सिर्फ यहां पे, एक सेकंड में यहां पे अच्छे तरीके से आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ओनली फोर तीन मतलब 4 पॉइंट का, मान लो 4 पॉइंट का एसएल, भाई साहब ऑलमोस्ट 40 पॉइंट से भी ऊपर, 47.10 मतलब ऊपर और ऊपर गया अभी तो आप लोग, ठीक है, मतलब 50 पॉइंट, 3 पॉइंट का एसएल 50 पॉइंट। मैं थोड़ी बोल रहा हूं इतना, रुको मैं थोड़ी बोल रहा हूं भाई साहब, अगर आप 3 पॉइंट का एसएल दे रहे हो 1:3 रेशियो लेके निकलो, ठीक है। देखो इसमें गाइस उनकी क्वांटिटी भी ज्यादा होती है, ठीक है, उनकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा हैवी होती है, तो वो लोग इस तरीके से काम करते हैं। आप देखो वो दिन के अंदर कितने ट्रेड लेते हैं, इसमें आपकी ट्रेड ज्यादा होने वाली, लेकिन जो तरीका है वो काफी अच्छा तरीका मुझे लगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए। ऐसे तो देखो हर कैंडल बन गई है, ये 1 मिनट वाली हो गई, ये 1 मिनट, लेकिन वेट करना पड़ेगा आपको प्रॉपर कैंडल का, कि अपनी वाली कैंडल बननी चाहिए, मतलब कि जो लगे कि भाई साहब ये कैंडल मार्केट को हिलाएगी, कहने का मतलब मारुबुजु कैंडल हो गई, हैमर पैटर्न हो गया, बहुत सारी कैंडल्स है। अगर सर मैं और ट्रेड की बात करता हूं, आप यहां पे आइए, गाइस देखिए उनका एक ट्रेड में आपको और बनता हुआ दिखाऊंगा। मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने रिजेक्शन खाया, ये रेड कलर की कैंडल को एक बार गौर से देखो, पूरी की पूरी ऐसा लग रहा है कि मार्केट को नीचे लेके आएगी, देखने से कैंडल को लग रहा है, लेकिन अपने को 9 EMA भी देखना, ठीक है, क्योंकि 9 EMA सपोर्ट का काम करेगा। इस वाली कैंडल के अंदर 9 EMA के नीचे क्लोजिंग आ जाती है, इस वाली कैंडल के अंदर एक बार 9 EMA के नीचे क्लोजिंग आ जाती है, लैपटॉप को ओपन करके देखना आपको चीजें समझ में आ जाएगी। मान लो यहां पे मैं एक काम करता हूं, 25,100 का मैं पुट बाय कर लेता हूं यहां पे, ठीक है, चलो लगाता हूं एक बार। नहीं दोस्तों, मैंने यहां पे आप लोगों के सामने ओपन कर लिया 25,100 का पुट, मैंने आप लोगों के सामने ओपन कर लिया, फिर से सेम कैंडल वही, ये जो कैंडल बनी इसके अंदर 9:47 वाली ये कैंडल है, सेम वही कैंडल गाइस, फिर से वही कैंडल, तभी तो मैं बोल रहा हूं ना कि वेट करना पड़ेगा आपको अपनी कैंडल्स का, ठीक है, कैंडल्स बनने का वेट करना पड़ेगा। फिर से वही कैंडल्स बनी, देखो यहां पे आपने एंट्री प्लान की, ये वाली, ये 9:47 वाली, ये रही 9:47 वाली कैंडल, ये रही नीचे आया, आपका एसएल थोड़ा सा एसएल बच गया। देखो ऐसा नहीं कि एसएल नहीं जाएगा भाई साहब, कोई ऐसा मार्केट के अंदर पैटर्न नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे एसएल नहीं जाएगा, एसएल जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा पॉइंट भी तो आपको मिल रहा है। यहां पे आपने एसएल देखो कितना छोटा सा लगाया भाई साहब, पॉइंट कितने बड़े मिले, आपका एसएल गया नहीं, यहां पे भी एसएल गया नहीं। देखो मैं ये बोलता हूं कि अगर आपने ट्रेड बना लिया ना तो या तो एसएल या प्रॉफिट, ठीक है, यहां पे आपका एसएल नहीं गया और यहां से ये लो भाई साहब। अब देखो बहुत से लोग बोलेंगे अच्छा ऐसे दिखा रहे हो, चलो एक बार दिखाता हूं आपको, आ जाओ
यहाँ पे आप देखिए आपका देखो 7.25 का एसएल, 7.5 पॉइंट का आपका एसएल, भाई साहब पॉइंट कितने मिले, लगभग और ऊपर गया। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि भाई साहब अगर आपको अपना टारगेट मिल रहा है तो बुक करके निकलो ना, 20 पॉइंट आपके डन है। तो चलिए दोस्तों फाइनली मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरीके से हमने लाइव मार्केट के अंदर इस सेटअप से काम किया, किस तरीके से हमने 3 ट्रेड लिए और तीनों के तीनों ट्रेड प्रॉफिट में गई। जी हाँ गाइस, तीनों के तीनों ट्रेड प्रॉफिट में गई और जो मजा आया गाइस काम करने में, काफी मजा आया क्योंकि जो एसएल था वो बहुत छोटा था और टारगेट काफी बड़े थे। लेकिन गाइस मैं फिर से यही कहूंगा कि आप अगर 1 मिनट के अंदर काम करना चाहते हो तो पहले सीखना आपको पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी, तभी आप इससे काम कर सकते हो। मैंने आपको 11 तारीख का जो मार्केट था मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से 1 मिनट के अंदर पैसा बनाया लोगों ने, द ट्रेड रूम, IIT ट्रेडर, स्टॉक बंडर, इन लोगों ने किस तरीके से पैसा बनाया। आज 12 तारीख का मार्केट अभी चालू और हमने सेम उसी तरीके से हमने ट्रेड प्लान किया, सेम सारी चीजें हमने फॉलो की और जो 3 ट्रेड हमने लिए तीनों के तीनों ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। तो जी हाँ गाइस, ये जो सेटअप है सच में काम करता है, सच में वर्क करता है, बस सीखना पड़ेगा। बिना सीखे करोगे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, लॉस करोगे क्योंकि 1 मिनट टाइम काफी ज्यादा रिस्की टाइम फ्रेम होता है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को लेके चलता हूं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, आप लोग यहां पे देख सकते हो हमने जो ट्रेड किया निफ्टी के अंदर भी किया और बैंक निफ्टी के अंदर भी किया, ठीक है, सेम पैटर्न के साथ में हमने बैंक निफ्टी में भी किया, निफ्टी में भी किया। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को अपनी ऑर्डर बुक के अंदर लेके आ चुका हूं जो हमने पहला ट्रेड किया गाइस। ये देखिए हमने 150 के ऊपर उठाया और उसको हमने 140 के ऊपर सेल कर दिया, इसके अंदर हमारे 10 पॉइंट का हमें लॉस हो गया, ठीक है। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि भाई साहब कोई भी सेटअप या ये जो सेटअप है हमेशा वर्क करेगा, हमेशा काम करेगा, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, नहीं, बस सीखना पड़ेगा, अच्छे तरीके से बारीकियों को जानना पड़ेगा, ठीक है। ये जो ट्रेड था गाइस ये मैंने खुद से अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग लिया था, ठीक है, मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग लिया था, तो इसमें मुझे लॉस हुआ, 10 पॉइंट मेरे यहां पे चले गए। उसके बाद में गाइस आप लोग देखिए हमने जो दूसरा ट्रेड किया 9:25 के ऊपर हमने 79.30 के ऊपर हमने उठाया और उसको हमने 9:26 के ऊपर 95.20 के ऊपर हमने सेल किया। ये जो ट्रेड था गाइस सेम हमने उसी पैटर्न से किया, सेम हमने उसी तरीके से किया जिस तरीके से ट्रेड रूम, IIT ट्रेडर या स्टॉक बंडर जी करते हैं, ठीक है। चलो मैं लेके चलता हूं, देखो ये जो ट्रेड था हमने किसके अंदर किया था गाइस, निफ्टी के अंदर किया था, निफ्टी के चार्ट के ऊपर आपको मैं लेके चलता हूं। अब यहां पे देखिए, देखो यहां पे हमने क्या लगा रखा, 9 EMA हमने लगा रखा, मैंने वीडियो के अंदर आपको बताया आपको 9 EMA लगाना है। सुबह सुबह मार्केट देखो यहां पे ऊपर जाता है, नीचे आ जाता हूं, 9 EMA का सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। उसके बाद में हमने इस कैंडल के अंदर ट्रेड प्लान करना चाहा, लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि अगर कोई बड़ी कैंडल बनी है तो उसमें एसएल अपना सही नहीं बैठ पाता, तो मैं यहां पे वेट कर रहा था कि यार दोबारा से ये 9 EMA के पास में आए और दोबारा से यहां से कोई बाइंग वाली कैंडल अपने को मिले। मार्केट दोबारा नीचे आता है, प्राइस दोबारा नीचे आती है और 9 EMA का सपोर्ट लेके एक हैमर कैंडल बन जाती है, बढ़िया पॉजिटिव कैंडल बन जाती है। हमने इसी कैंडल का लगभग जैसे इस कैंडल के ऊपर कैंडल निकलने लगती है, सस्टेन करने लगती है, हमने 79 के ऊपर अपनी पोजिशन बनाई और लगभग 95 के आसपास हमने इसको निकाला। तो ये ट्रेड आप लोग देख सकते हो किस तरीके से, वो टाइम फ्रेम वही हमने 1 मिनट का लगा रखा है, इसी तरीके से हमने यहां पे लगा रखा है। ये कैंडल काफी बड़ी बनी, ये काफी बड़ी बनी, तो बड़ी कैंडल के अंदर कभी भी अपने को एंट्री नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसमें अपना एसएल नहीं बैठ पाता। अगर यहां पे मैं अपनी एंट्री प्लान करता तो सोचिए कितना बड़ा मुझे एसएल देना पड़ता, कितना बड़ा मेरा एसएल यहां पे जाता। लेकिन जैसे यहां पे मेरे को कोई बढ़िया बाइंग वाली कैंडल मिली 9 EMA का जिसने सपोर्ट लिया हो और यहां पे मैंने एंट्री प्लान की, लगभग आप ये देखिए कि हमारा एसएल कितना था, लगभग हमारा 9.95 का या फिर मान सकते हो 9 पॉइंट का हमारा एसएल था और हमें लगभग 18 पॉइंट मिले, 1:2 का टारगेट हमें यहां पे मिला, ठीक है। चलो ये हमारा पहला ट्रेड था, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से हमने देखो यहां पे भी हमने 1 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करके रखा हुआ है, यहां पे भी 1 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करके रखा हुआ है और 9 EMA और नीचे वॉल्यूम मैंने यहां पे लगा रखा है। इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम आप लोग देख सकते हो, वॉल्यूम अच्छी खासी अपने को मिल रहा है, ठीक है। चलो दूसरा ट्रेड आप लोगों को मैं लेके चलता हूं जो कि हमारा बैंक निफ्टी के अंदर होता है। इसके अंदर हमने 398.55 के आसपास हमने बाय किया और 413 के आसपास हमने इसको सेल किया। चलो लेके चलता हूं बैंक निफ्टी के अंदर 51,400 की पुट के अंदर हमने 9:35 के ऊपर ये ट्रेड प्लान किया था। चलो लेके चलता हूं, ये देखिए आप ये देखिए यहां पे एक अच्छी खासी कैंडल अपने को मिलती है बाइंग वाली जो कि भाई साहब 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग कर रही है, ठीक है। यहां पे आपको दिख रहा होगा गाइस ब्लैक वाला EMA, ये मेरी स्ट्रेटजी है, पैरा कमांडो स्ट्रेटजी, तो इसको आप याद मत रखो, ठीक है। आप तो 9 EMA को याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर इसके बारे में भी जानना है कि सर ये ब्लैक वाला EMA कौन सा है या ब्लैक वाली चीज क्या है,
तो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, आप यहां पे देखते हो भाई साहब, ये जो कैंडल बनी है ये अच्छी खासी बाइंग वाली कैंडल बनी है, और कहां पे क्लोजिंग कर रही है, 9 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग कर रही है। लेकिन मैंने सेम क्या बोला कि भाई साहब बड़ी कैंडल बनी है तो अपना अगर यहां पे एंट्री प्लान करेंगे तो एसएल अपने को यहां पे रखना पड़ेगा। तो सोचिए कितना बड़ा एसएल हो गया, लगभग 30 पॉइंट से भी ज्यादा का अपना एसएल हो गया, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। मैं वेट कर रहा था दोबारा कैंडल नीचे और बाइंग वाली कैंडल अपने को मिले। देखो दोबारा मार्केट नीचे आता, 9 ईएमए का सपोर्ट लेता और अब की बार यहां से ऊपर चला जाता है मार्केट। देखो ठीक है, चीजों को समझना गाइस, मेरे मोटिव को समझना। यहां पे देखो प्रीमियम 1 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करके रखा हुआ, प्रीमियम ऊपर जाता नीचे आता रिटेस्ट करता है और दोबारा एक ग्रीन कलर की कैंडल क्लोजिंग कर देती है, अच्छी वाली बाइंग वाली कैंडल क्लोजिंग कर देती है। हमने यहीं पे जैसे दूसरी वाली कैंडल ऊपर जाने स्टार्ट करती है, हमने यहीं पे एंट्री बनाया। लगभग आप लोग देख सकते हो यहां पे हमने यहीं पे एंट्री प्लान की। एंट्री आपने हमारी जो एंट्री थी वो कहां पे बनी हुई थी, 398 के आसपास हमारी एंट्री बनी हुई थी। एक सेकंड गाइस, 398 के आसपास हमारी एंट्री बनी हुई थी यहां कहीं पर, और हमने यहीं पे बुक कर लिया। सर बुक इतनी जल्दी आपने बुक क्यों किया, जबकि आपका टारगेट तो देखो यहां पे आपको कितना पॉइंट मिला गाइस, लगभग 50 पॉइंट यहां पे मिले। सर 50 पॉइंट आपको मिल रहे थे, लेकिन आपने इतने से पॉइंट ही कैच क्यों किए, आपने लगभग 15 पॉइंट ही कैच क्यों किया, क्योंकि यहां पे आप लोग देख सकते हो हमारा लगभग 7 या 7.5 पॉइंट का हमारा एसएल था, और हमें कितने पॉइंट मिले, 15 पॉइंट मिले। तो हमारा 1:2 का टारगेट हमें मिल चुका था। मुझे ज्यादा लालच नहीं करना, आपके सामने सारी चीजें कर रहा हूं। इधर भी 1 मिनट टाइम फ्रेम खुला हुआ है, कैंडल देख सकते हो हमने कहां पे एंट्री बनाई थी, 9:35 वाली कैंडल के अंदर। चलो आपको लेके चलता हूं 9:35 वाली कैंडल के अंदर। ये देखिए 9:35 वाली कैंडल कौन सी, ये रही। आप लोग देखिए कैंडल को, पूरी की पूरी नेगेटिव कैंडल बनी पड़ी है, पूरी की पूरी कैंडल नेगेटिव है, और हमने पुट के अंदर एंट्री प्लान की है सेम तरीके से। 9 ईएमए देखो ऊपर गया, 9 ईएमए का रिजेक्शन खाया और नीचे आ गई, सेम वही तरीका जो मैं आपको पीछे बताते आ रहा हूं। ठीक है, चलो तीसरे ट्रेड के अंदर आप लोगों को मैं लेके चलता हूं। तीसरा ट्रेड हमने किया 413 के ऊपर उठाया और 429 के ऊपर हमने इसको सेल कर दिया। वही वहीं पे देख सकते हो आप लोग 51400 की पुट है, और 9:53 के ऊपर हमने ये ऑर्डर पंच किया था। 9:53 ये रही गाइस, 9:53 ये रही, 9:53 सेम देख सकते हो आप लोग। प्राइम ये जो प्राइस नीचे आ जाती है, ऊपर जाती है, नीचे आ जाती है, और अब की बार ये जो कैंडल बनी पूरी की पूरी बाइंग वाली कैंडल बनी है, पूरी की पूरी बाइंग वाली। लेकिन वही मैंने आपको क्या बोला कि वैसा बड़ा एसएल अपने को देना नहीं है, तो बड़ी कैंडल के अंदर एंट्री नहीं करनी। प्राइस नीचे आती है, ईएमए का यहां पे सपोर्ट लेती है, और अब की बार यहां पे अच्छी खासी कैंडल बना देती है बाइंग वाली। सेम हमने क्या किया, हम कूद गए भाई साहब। देखो हमने 413 के आसपास एंट्री की, आप लोग आ जाइए 413 के आसपास, ये देखिए लगभग हमने 413 के आसपास जैसे ही इस कैंडल ने क्लोजिंग मारी, दूसरी वाली कैंडल के अंदर हम कूद गए और 413 के आसपास हमने एंट्री बनाई और हमने 429 के आसपास इसको सेल कर दिया। अब फिर से आपका वही सेम क्वेश्चन होने वाला है कि सर आपने इतने कम पॉइंट कैच क्यों किए, क्योंकि अगर मैं 413 के आसपास एंट्री कर रहा हूं तो मेरा एसएल यहां पे लगभग कितना बना, लगभग 9 या 8.5 पॉइंट का एसएल बना। तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, 16 या 20 पॉइंट के आसपास। हमने यहां पे कितना, कितने के ऊपर सेल किया, 429 के आसपास, लगभग हमें 15 पॉइंट मिल चुके हैं। 1:2 का टारगेट हमारा डन है। तो ये तरीका है गाइस, इस तरीके से हमने 3 ट्रेड लिए, तीनों के तीनों ट्रेड प्रॉफिट में थे। अभी भी मार्केट चालू है, इससे हम और भी ट्रेड करने वाले हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है गाइस वो है पेशेंस की। अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप थोड़ा रुकना जानते हो, तो आपके लिए मार्केट भर भर के पैसा देगा। लेकिन आप हर कैंडल के अंदर ट्रेड प्लान कर रहे हो, यहां पे वहां पे वहां पे यहां पे, तो ऐसा नहीं है। कैंडल को पहचानो, कैंडल को देखो, कैंडल आपकी बन रही तो उसमें एंट्री करो, वरना मत करो। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करना और शेयर जरूर करना ताकि लोग अच्छा पैसा बना सके। और हाँ गाइस एक चीज और बोलूंगा, चैनल के ऊपर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना रखता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।